हेलो रिवान, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 30 मार्च और 30 मार्च से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आप प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। अभी एबल पुरस्कार 2024 से मिशेल टेलग्रैंड को सम्मानित किया गया है। सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह मनाया गया है 24 मार्च को। मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी अनुवाद यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा मान्यता दी गई है। इसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है हरियाणा की टीम ने। अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपतियों की राजधानी के रूप में महाराष्ट्र के मुंबई को चुना गया है। और अभी 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है इंडिगो को। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि भारत का एक बीमा ब्रांड है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम एप्लीकेशन चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री यह जीता है कार्लोस सैंज ने। ठीक है, अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, थाईलैंड। देखिए, थाईलैंड ने अभी समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले विधेयक को पारित किया है। इसके बाद यह जब कानून बन जाए तो इसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया का थाईलैंड पहला देश बन जाएगा। साथ ही साथ नेपाल और नेपाल जो है दूसरा और ताइवान पहला है, और जो थाईलैंड है ये तीसरा एशियन कंट्री बन जाएगा जिसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो बांग्लादेश में अभी 26 मार्च को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया है। और श्रीलंका में अभी मेदिन पोया उत्सव यह मनाया गया है श्रीलंका में। अमेरिका का एक राज्य है फ्लोरिडा, इसने सोशल मीडिया को बच्चों के द्वारा उपयोग करने पर बैन लगा दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सोशल मीडिया जो बच्चे यूज़ करते हैं उसको बैन कर दिया है अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य ने। अच्छा, यहाँ पर आप थाईलैंड का मैप देख सकते हैं। राजधानी बैंकॉक है, करेंसी यहाँ पर थाई बात चलती है और प्रधानमंत्री हैं श्री थेया थाविसिन। ठीक है, नेक्स्ट, लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विजय छेत्री। यह भी लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर बन गए हैं। नेक्स्ट, शाओमी ने अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन SU7 किस देश में लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना। देखिए, जो शाओमी है ये मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, इसने अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन जिसका नाम है SU7 यह चाइना में लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं इसकी। और देखिए, अभी जो अमेरिका है इसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है, यानी कि टिकटॉक को बैन कर दिया है। भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो यह दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अभी जल्द ही मिला है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में पहली बार भाग लेगा सऊदी अरब। चीन राजधानी बीजिंग है, करेंसी यहाँ पर युआन चलती है, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और देखिए, भारत और चीन का जो बॉर्डर है इसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, गुजरात। गुजरात ने अभी शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच को लॉन्च किया है। और देखिए, जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर अभी डोल पूर्णिमा उत्सव को मनाया गया है। और जो राजस्थान राज्य है यह अभी जल संसाधन नियंत्रण पट्ट को लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। और देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य जो है इसके द्वारा सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया गया है, और सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है
उत्तर प्रदेश, गुजरात। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, लोकेटेड है, राजधानी है गांधीनगर। इस राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत। लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और विधानसभा की 182 सीटें हैं। आधिकारिक भाषा गुजराती है, जिलों की संख्या 33 है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिर, मरीन, ब्लैकबक और बसंदा ये राष्ट्रीय उद्यान है। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई शेर यानी कि एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह भी तेलंगाना राज्य में पाया गया है। और देखिए यह जो शिलालेख है यह कल्याण चालुक्य राजवंश से संबंधित है, 900 साल पुराना है और तेलंगाना का एक जिला है महबूब नगर, यहीं पर इसको पाया गया है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो नागालैंड है, अभी नागालैंड में पूर्वोत्तर खेल 2024 का जो थर्ड एडिशन है इसको शुरू किया गया था नागालैंड राज्य में। और झारखंड में अभी 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला यह अभी झारखंड राज्य में शुरू किया गया है। और जो तमिलनाडु है यहाँ पर अभी जो तमिलनाडु राज्य सरकार है इसने पीएम श्री योजना को लागू करने के लिए सहमति व्यक्त की है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, अभय ठाकुर। इनको अभी म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नामित किया गया है और इमेज यहाँ पर आप इनकी देख सकते हैं। अच्छा, जो आशा लाकड़ा है इनको भी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। गोविंद ढोलकिया को भी सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जो नवीन जिंदल को इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? तो यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सदानंद वसंत दाते। अभी इनको राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ पीयूष आनंद को NDRF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और राजीव कुमार शर्मा को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। इन सभी को भी हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया है। तो जो भूषण गगरानी हैं अभी इनको नया BMC आयुक्त नियुक्त किया गया है और मुस्तफ़ा सुलेमान को माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख नियुक्त किया गया है, मुस्तफ़ा सुलेमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह जीता है विनय ने, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और देखिए यह जो पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप इसका आयोजन कहाँ हुआ है? मिस्र में इसको आयोजित किया गया है। 18 साल के एथलीट हैं ये विनय, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं और इस स्पर्धा में मिस्र के अहमद अब्देल कादर ने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कहा प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। और देखिए जो भारतीय सेना है यह दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है और भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं इनका नाम आपसे पूछा जाता है, जनरल मनोज पांडे ये हैं भारतीय सेना के प्रमुख। देखिए भारत में 3 तरह की सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। और ये जो तीनों सेनाएं हैं इनका सेनापति कौन होता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह इन तीन सेनाओं का सेनापति होता है। हरियाणा का जो फरीदाबाद है यहाँ पर अभी
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है और अयोध्या का जो हनुमान गढ़ी है यहाँ पर प्रसाद के तौर पर बेसन के लड्डू जो मिलते हैं इनको अभी जीआई टैग मिला है। और जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी है यहाँ पर उत्तर भारत के पहले डीएनए बैंक की स्थापना की गई है। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए जो होमवर्क दिया था, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विराट कोहली। आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, NCERB का संकलन ऐप किसने लॉन्च किया है। इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।